तुम भी किसी से मोहब्बत तो नहीं कर बैठे? मुझे किसी अमीरजादे से शादी नहीं करनी। इश्क मुर्शिद 8 अक्टूबर से इतवार शब 8 बजे। नेहा आ जाओ बेटे, बहुत देर हो रही है। आ गई मम्मा। अरे अम्मी इतनी जल्दी उठ गई आज? हाँ बस आंख खुल गई ना आज जल्दी। उठते नाश्ता बना दो। नहीं नाश्ता तो मैंने कर लिया। कब? अभी तो उठी। चलो 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 चलो। नानू को खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। बाय बाय। ईट योर लंच। ओके। अम्मी आपको याद कराना था क्या आज तस्लीम? ये क्या है? ये दो अलग अलग सूट हैं, या तो शलवार बदले या कमीज बदले। अच्छा आपको याद करवाना था तस्नीम बाजी आएंगी आज। तस्नीम कौन? हमारी तस्नीम बाजी, पड़ोसन तस्नीम। पहली दफा आ रही है क्या? मजाक कर रही है? तस्लीम बाजी आपकी दोस्त है, आपकी तबीयत ठीक है? हाँ बस ऐसी तरह वो घबराहट है। कब से हो रहा है अम्मी? आपने मुझे बताया क्यों नहीं? मैं डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लेती हूँ आज, कल ही डॉक्टर को दिखाते हैं। आप बैठिए, आप बैठिए, मैं आपके लिए नाश्ता बना देती हूँ। हाँ ठीक है। वो रात को भी मैंने खाना नहीं खाया था ना, तो अब बहुत भूख लग रही है। अम्मी रात को खाना खाया था? मगर कोई बात नहीं, मैं नाश्ता बना देती हूँ। आपके घर में कितने अफराद रहते हैं? जी मैं, मेरी अम्मी और मेरी बेटी बस। आपकी मदर आपके साथ ही रहती हैं? जी मैं उनके साथ रहती हूँ, मेरे शौहर के इंतकाल के बाद। सॉरी टू नो। डॉक्टर साहब उनकी रिपोर्ट ठीक तो है? देखिए पेट इमेजिंग और न्यूरो स्कैन के बाद ही हम किसी फाइनल कंक्लूजन पर पहुंच सकेंगे, लेकिन जो अभी तक ब्लड टेस्ट रिपोर्ट है वो अल्जाइमर्स की तरफ इशारा करती है। अल्जाइमर? देखिए जो बिहेवियर आप बता रही हैं वो इसी बात की तरफ इशारा करता है। कोऑर्डिनेशन में मसला, नाम का भूल जाना, चेहरे ना याद रखना, बातों को बार बार दोहराना, यही इशारा है। डॉक्टर साहब अचानक? देखिए इसमें एज फैक्टर बहुत अहम किरदार अदा करता है। इलाज? दवाइयों से कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन रिपोर्ट आने से पहले कुछ कहा नहीं जा सकता, तो आप सिर्फ उनका ख्याल रखें। डॉक्टर के पास बैठ बैठ कर मैं बहुत थक जाती हूँ। मुझे बताओ इतने कौन से टेस्ट थे जो खत्म ही नहीं हो रहे थे? अम्मी ये डायरी अपने पास रखिए। क्यों, मुझे क्या जरूरत है इसकी? इसमें अम्मी हम सबके नाम हैं, टेलीफोन नंबर्स, सब जरूरी डिटेल, आपकी दवाएं, कब कौन सी दवा खानी है आपको, ये सब इसमें लिखा हुआ है। आप इसे अपने पास रखा करें। मुझे
मुझे क्या जरूरत है इसकी, मैं क्या करूं? डॉक्टर क्या कह रहा था? कुछ नहीं कहा, उन्होंने कहा आप ठीक हैं बिल्कुल, बस दवाएं पाबंदी से खानी है। चलो शुक्र है। अब सो जाए। परेशान? क्या करूं, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। I don't know what hit me. Alzheimer's जैसी बीमारियां अहमद सब बदल देती हैं, everything, your plans, आपकी ख्वाहिशात, आपने जो भी सोचा होता है, life is going to change from this point. मैं तो बल्कि अभी सोच रही थी कि पता नहीं मैंने किस अच्छे वक्त में फ्रीलांस काम करना शुरू कर दिया था। But it's not enough. मैं नेहा को अपनी पूरी अटेंशन नहीं दे पाती हूँ। अब मम्मी भी, I need more projects, more time will go into, I don't know what will happen. अकेले ही सब करना बहुत मुश्किल है, but the finances are already in a mess. I know, I understand. Just breathe, breathe, relax. बस मैं तुम्हें एक बात समझाना चाहता हूँ अच्छे तरीके से कि जो भी कंडीशन हो, whatever you need from me, I'm there for you. बस ऐसी हमारे बारे में सोच रहा था। I'm so sorry, हमें इंतजार करना पड़ेगा ना अब, एटलीस्ट जब तक हमें बेहतर नहीं होती। देखो नाजिया, मुझे सिचुएशन तुम्हारी अम्मी की बेहतरी की तरफ जाते हुए नजर नहीं आ रही। ऑनेस्टली फैक्ट इज अ फैक्ट, ये जो कंडीशन है, दिस डिजीज, ये टाइम के साथ मजीद बिगड़ती जाती है। व्हाटएवर द स्टेट, जो भी मेरी तरफ से तुम्हें कोई भी मदद चाहिए हो, मैं हाजिर हूं। नाराज हूं? नाराज शख्स ऐसे लगता है क्या? Come on. अच्छा, इसी तरह थोड़ा सा जिंदगी में कभी ना टेंस लाइफ गुजर रही है तुम्हारी, थोड़ा सा हंस लिया करो, इट्स गुड फॉर यू। मेरी तरह कितने दिन से शोर मचा रही थी ना, आज पकी गई। थैंक यू सो मच मामा। मैं देती हूँ मम्मी, मैं देती हूँ। भाई आदिल कहाँ है? उसको भी बुला लो खाने पे। और ऐसा क्या काम है, इतने दिनों से नजर भी नहीं आया वो। ऑफिस में मसरूफ है, आ जाएगा, आजकल बिजी रहता है सर। मैं
अब इसे क्या हुआ? खाना छोड़ के चले गए? कोई बात नहीं, भूख नहीं लग रही होगी आपको, मुझसे ज्यादा तो नहीं लग रही। मिर्चे ना, ठीक है। I'm so sorry, मैंने आपको इस तरह कॉल किया इस वक्त, बट थोड़ी सी परेशानी थी तो। आपने मुझे कहा था मैं आपको कॉल कर लूं इसलिए। डॉक्टर साहब, ये अजीब सी एक बात हुई, बहुत मैं मुश्किल हो रहा है मुझे समझना कि मैं इसे कैसे हैंडल करूं। अम्मी अचानक से कल मुझसे मेरे शौहर के बारे में पूछने लगी कि वो खाने पे क्यों नहीं आया, वो कब आएगा। उनके इंतकाल को तो बहुत वक्त हो गया डॉक्टर साहब, और उनका जिक्र मेरी बेटी को अपसेट कर रहा है बहुत। मैं किस तरह हैंडल करूं सिचुएशन को? काफी क्लोज थी उनसे जी, लेकिन आजिया जिस स्टेज पर वो हैं ये सब नॉर्मल है। एक तो साल पुराने हादसे शायद उन्हें याद ना रहे, लेकिन पुरानी बातें उनके हाफिजे में महसूस रही जो बार बार उन्हें याद आती रहेंगी। और इस तरह के पेशेंट्स को बार बार दुरुस्त करना ना उनके लिए एक ट्रॉमा होता है जो उन्हें काफी तकलीफ देता है। जी। उन्हें जितनी बार याद दिलवाया जाएगा ना उनको उतनी ही तकलीफ होगी। जी सही बात है, ये सही बात है कि हम ठीक हैं और वो हैं पेशेंट। जी ठीक बात है, ये मुझे आपसे इसी बात की उम्मीद थी। आपको कोप करना पड़ेगा नाजिया, वरना उन्हें बहुत तकलीफ होगी। देखिए मैं ये नहीं कह रही कि आप उनसे झूठ बोलें, लेकिन जब आपको लगे कि वो नॉर्मल हैं तो आप उनसे उनके माजी की हाल की बातें कर सकती हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू, टेक केयर। आपके पास है? नहीं तो अपने कमरे में होंगी। नहीं मामा, मैंने कमरा देख लिया होगा, मैंने इनफैक्ट पूरा घर छान मारा है, वो कहीं पे भी नहीं है। और वो किचन का डोर है ना पीछे वाला, वो तक खुला हुआ है, पता नहीं क्यों। तुम बाकी का घर देखो बेटा, वॉशरूम चेक किए? जी मैं दोबारा चेक करो, मैं देखती हूं। ओके मैं एक बार फिर चेक कर लेती हूं। भाई आपने मेरी अम्मी को देखा? नहीं मैंने तो नहीं देखा। मेरा शुक्रिया, थैंक यू। अम्मी, अम्मी कहाँ चली गई थी आप? कहाँ मिली? ये मार्केट की तरफ गई थी, रास्ता भूल गई। थैंक यू बेटे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। आइए अम्मी आइए, आप कहाँ चली गई थी मुझे बताए बगैर क्यों निकली बाहर? कहाँ चली गई थी आप? कुछ चाहिए था? शायद पता नहीं। मैं डायरी लेके जानी चाहिए थी ना, मैंने डायरी दी है ना आपको। घर का सौदा लेने गई थी। हाँ हाँ शायद वो दरअसल इस गली में काम हो रहा है ना, खुदाई हुई हुई है, इसलिए मैंने पहचाना नहीं। नहीं है। क्या मतलब मैं ठीक नहीं हूं?
क्या हुआ है मुझे? एक बीमारी होती है अम्मी, अल्जाइमर्स। आपको अल्जाइमर्स है, आपकी याददाश्त मुतासर हो रही है उसकी वजह से, इसलिए आप चीजें भूल रही हैं। तो तुम्हारा क्या मतलब है? मेरी याददाश्त खत्म हो जाएगी, सब कुछ भूल जाऊंगी मैं? नहीं अम्मी, सब कुछ नहीं भूलेंगी। अगर आप दवाएं खाएंगी ना वक्त पे, बिल्कुल ठीक रहेंगी। हाँ तो शायद मैं तुम्हें पता नहीं किस वक्त क्या कुछ कह गई होंगी, मुझे तो याद ही नहीं है, है ना? आइंदा से तुम मुझे बता देना, टोक देना मुझे। वालेकुम सलाम। Guess what? Wait. Surprise! Oh wow! This is so cool! I'm so proud of you! I got first prize in debate. Shabash! मेरी बेटी तो है ही इतनी लाइक, है ना? Thank you. वैसे आप कैसे आए? मैं यही रहती हूँ। ये आपकी नवासी है, मैं आपकी बेटी हूँ नाजिया। हाँ जानती हूँ, ऑफ कोर्स। आदिल कितना खुश होगा ऐसा रिजल्ट देखकर। घर में ना कोई खुशखबरी तक नहीं दे सकता। क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? आप उसके बाप के बारे में पूछ रही हैं अम्मी? हाँ तो उसको मरे हुए 2 साल हो गए हैं, आदिल को गए हुए बहुत वक्त हो गया। आदिल पर कैसे कैसे? आदिल अम्मी, आदिल I'm sorry, मैं आपको तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहती थी, लेकिन इस बात से नेहा बहुत डिस्टर्ब हो जाती है। I'm sorry. आए मेरे बच्चे मेरे बताया क्यों नहीं मुझे बेटा, मुझे क्यों नहीं बताया? मैं तो उसे देख भी नहीं सकी। मैंने उसको देखा भी नहीं। आपने उसे देखा था? कितना अच्छा गाना, तुम्हें याद है तुम्हारे अप्पू कितना गुनगुनाया करते थे ये? आपको याद है? हाँ मुझे तो उनकी हर बात याद है, हर बात। और मैं याद हूँ? कैसी बातें कर रही हो तुम? तुम मुझे याद हो, मैं जानती हूँ तुम्हें।
तुम मेरी सबसे प्यारी बेटी हो नाजिया। मैं नाजिया हूँ। आप दोपहर को नेहा को अपनी बेटी समझ रही थी, मेरा नाम भी भूल गई थी आप। कर रही है, मैं बदलवा के ला देती हूँ। अरे नहीं नहीं कोई जरूरत नहीं है, बस एक पेवंद लगेगा ठीक हो जाएगा। तुम्हारे अब्बू भी ऐसे ही करते थे, किसी चीज को बिखरने नहीं देते थे। मुझे देखो, उनके जाने के बाद मैं कैसे बिखर सी गई। यादों को भी पैबंद लग जाते, यादें भी एक दूसरे के साथ जुड़ी रहती, क्यों अलग अलग ना होती। अम्मी ये याद है आपको? हाँ आदिल। हाँ आदिल, आपको पता है ना अम्मी ये अब नहीं है। हाँ बेटा बहुत दुख है मुझे, अम्मी अहमद याद है आपको? अहमद मेरे साथ दफ्तर में काम करता है, लंबा सा। हाँ अहमद, हाँ 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 कुछ कुछ याद है। हाँ क्या हुआ उसे? नहीं नहीं कुछ कुछ नहीं हुआ उसे, पूछता रहता है आपके बारे में अक्सर। अच्छा, बहुत ख्याल रखता है मेरा और नेहा का भी। शादी करना चाहता है मुझसे अम्मी। अच्छा ये तो बहुत खुशी की बात है बेटा, लेकिन मैं आपको छोड़ के नहीं जा सकती ना। ऐसा क्यों सोचती हो तुम, मेरी क्यों फिक्र करती हो? मेरा क्या पता है बेटा, आज क्या कल क्या। और वैसे भी सब कुछ तो मेरे हाथ से निकला जा रहा है। थोड़ी देर के लिए सो जाइए अम्मी, वरना शाम को फिर आप देर तक सोती रहेंगी, फिर रात को नहीं सोएंगी। सो जाऊंगी, फिक्र ना करो तुम। मिल नहीं सकती, फोन तो उठा सकती हो ना? नहीं यार अम्मी के करीब करीब ही रहती हूँ बस, अब उन्हीं के पास थी। हाँ मैं समझ सकता हूँ, मगर इतनी बेरुखी भी अच्छी नहीं होती नाजिया। क्या बेकार की बात। बाजी 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 जल्दी आइए, बाजी आए। क्या हो रहा है ये, क्या हो? अम्मी छोड़े मुझे ये बताओ यहाँ पर घुसी कैसे, और मैंने देखा है इसको दराजों में झांक रही थी चोरी करने के लिए। अम्मी आप उनका हाथ छोड़िए, उनका हाथ छोड़िए, इनका नाम महवेश है, सुबह मिलवाया था ना आपको इनसे, हमारे घर काम करने आई है, चोर नहीं है। आपको आप जाइए आप जाइए, क्या करने आई थी, चाय पीनी थी, चाय पीने आई है अम्मी, मैं बना देती हूँ। आप किचन में आती क्यों है, सब गड़बड़ हो जाती है अम्मी। आपको सब कुछ कमरे में मिलता है ना, आप मुझे बताया कीजिए, मैं आपको कमरे में देके जाऊंगी। आप चलिए आप चलिए, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ, जाइए मैं लाती हूँ।
क्या क्या हो गया था? तुमने अचानक फोन बंद कर दिया? नहीं कुछ अम्मी कुछ नहीं यार, तुम बताओ। देखो नाजिया, मैं तुमसे एक बात कहने लगा हूं, शायद तुम्हें अच्छी ना लगे। देखो अक्सर लोग इन हालात में मरीजों को ओल्ड होम छोड़ देते हैं। देखो कम से कम वहां पे वो अनजान लोग अनजान नहीं रहते, एंड देन यू नो इतना सफर भी नहीं करते हैं उसकी वजह से। क्या कहा तुम? तुम्हें पता है तुम क्या कह रहे हो? मैं अपने से अलग कैसे कर सकती हूँ उनको? देखो तुम मेरी बात को समझने की कोशिश करो। मुझे कुछ नहीं समझना है, और अगर तुम्हें भी अब ये रिश्ता समझ में नहीं आ रहा है ना, you're most welcome to move on। मैं तुम्हारी जिंदगी खराब नहीं करना चाहती। देखो नाजिया यार माचिस कहाँ है? आप रो रहे हैं? आप नहीं है ना यहाँ पर काम करने के लिए आई? क्या बात है, कोई मसला है, घर में परेशानी है? क्या हुआ उनको? बीमार है, मुझे पहचानते भी नहीं। अच्छा बस नहीं सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, अल्लाह बेहतर करेगा, बस हौसला रखिए, ठीक हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। क्यों घबरा क्यों रही हूँ? आप जानती हैं मुझे? हाँ हाँ, तुम महवेश हो ना, रोजाना आती हैं आप हमारी हेल्प करने के लिए, है ना? आज तो मेरी तबीयत बहुत अच्छी है, मैंने सोचा मैं अपने लिए चाय बना लेती हूँ। अब मैं बना देती। नहीं नहीं, मुझे पता है सब कुछ कहाँ कहाँ पड़ा हुआ है। उस दिन तो आपने मुझे डरा ही दिया, चोर समझ रही थी ना आप मुझे। उसकी मैं माजरत चाहती हूँ, मुझसे गलती हो गई थी ना। नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बाजी ने मुझे आपके बारे में सब बता दिया। हाँ दरअसल मेरे साथ कुछ मसला है, मैं बहुत सी बातें भूल जाती हूँ, और फिर जब मुझे याद आती ना तो मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ। मगर अब दवाइयाँ बहुत असर कर रही हैं, देखो आज पहचान लिया ना मैंने तुम्हें। वैसे बाजी की बड़ी हिम्मत है, कितने अच्छे तरीके से संभाल रखा है आपको। मेरी देवरानी है ना, उसने तो अपनी माँ को किसी फलाही इदारे में दाखिल करवा दिया था जब वो बीमार पड़ी थी। और देखे ना अबाजी के तो शौहर भी नहीं है, वो चाहती तो दूसरी शादी कर लेती लेकिन नहीं की, सिर्फ आपकी वजह से। तुम्हें किसने बताया? कल ही वो किसी से बात करते हुए रो रही थी, आप ही ने तो उन्हें दिलासा दिया था काम वाली समझ के। और है ना वो नेहा बेटी भी बता रही थी कि आप अक्सर है ना उनके अब्बा का जिक्र करती रहती है जैसे कि वो जिंदा है। वो बेचारी बच्ची है, मासूम है, ये सब सुन के परेशान हो जाती है। अल्लाह जिंदगी दे, सेहत दे आपकी बेटी को, बहुत प्यार करती है आपसे। न तो आजकल की औलादें तो बड़ी बेहिस हो गई। आप अपने कमरे में चले, मैं वहीं चाय लेकर आती हूँ आपके लिए।
Hello, Naya beta. How are you? How's school? Going very good. Great. अच्छा आप बेटे मुझे आपको बहुत जरूरी चीज दिखानी है। अच्छा ले आओ। इतनी खुशी? अरे चलो अच्छा है ना, कोई तो देख के मुझे खुश हुआ। I got first position. Brilliant. क्या बात है भाई? अरे वाह भाई, कितनी इंटेलिजेंट है हमारी नेहा। हाँ भाई, इसमें तो गिफ्ट बनता है। नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है। एक्सक्यूज मी, ये हमारा आपस का मामला है, आप प्लीज दखल ना दें इसमें। कौन कोई आया है यहाँ? अम्मी अहमद आए हैं। सलामकुम आंटी। वालेकुम सलाम, बैठिए। अम्मी ये अहमद हैं, मेरे दोस्त। अहमद, पहले शायद मुलाकात नहीं हुई, पहली दफा आप आए हैं ना घर पे? नहीं अम्मी, आप अहमद से बहुत बार मिल चुकी हैं पहले। देखो बीबी, मैंने तुम्हें बताया कि मैं इनसे पहले नहीं मिली हूँ, और ये मेरी बेटी क्यों बैठी हुई है इनके साथ? चलो उठो, उठो जाओ अपने कमरे में, ऐसी बैठ जाती हूँ किसी के साथ भी। अम्मी, अम्मी जी ज्यादा मोटा आ जाता है। अम्मी, अहमद मेरे दोस्त हैं, मैं आपकी बेटी हूँ नाजिया। देखो बीबी, मैं तुम्हें पहले भी बता चुकी हूँ कि मैं तुम्हें नहीं जानती और तुम मेरी बेटी नहीं हो। मेरी बेटी यहाँ बैठी हुई थी, मैंने उसे कमरे में भेजा। नाजिया मैं चलता। नहीं नहीं अहमद, नहीं, तुम रुको, she doesn't mean it, उनको पता नहीं वो क्या कह रही है। ओके ओके, प्लीज एक्सक्यूज सर। देखो भैया, तुम भले आदमी लगते हो, मुझे यहाँ से ले जाओ। ये सारे लोग हैं ना, ये इन्होंने कोई प्लानिंग की हुई है, ये सारे के सारे मिलके मुझे मारना चाहते हैं, मेरे खाने में पॉइजन मिला देते हैं, जहर मिला रहे हैं कि मैं आहिस्ता आहिस्ता मर जाऊं, मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। आप मेरे घर चले, मैं आपको कुछ बना के देता हूँ अपने हाथों। That's not the solution. That's not the solution. She won't remember all this. चलो ठीक है, मगर मैं यहाँ नहीं रह सकती, मैं तुम्हें बता रही हूँ, मैं यहाँ नहीं रह सकती, मैंने अपने घर जाना है बेटा, मैंने अपने घर जाना, मैं यहाँ नहीं रह सकती। अम्मी, अम्मी, अम्मी मेरी बात सुनो। अच्छा थोड़ा रिलैक्स कर। अच्छा ठीक है, ठीक है अम्मी, ठीक है आप रिलैक्स करें। महवेश पानी लाइए, अम्मी के लिए पानी लाइए। अम्मी आप पानी पीजिए। अम्मी अम्मी क्या करनी है? अम्मी लग जाएगा, मेरे पास मत आना। अम्मी लग जाएगा, मेरे करीब मत आना, और मुझे यहाँ से निकालो। अम्मी चले आइए। मैं आपसे मिलने आती रहूंगी। मैं कोई जरूरत तो नहीं है, या कोई जान पहचान ही नहीं तो फिर आने की क्या जरूरत है? मुझे नहीं जानती। उन्हीं की बेहतरी के लिए। It's okay. ये आपके कौन है?
बेटी है मेरी। आप तो कह रही थी मैं नहीं जानती इसको। माँ सब जानती है, माँ का दिल सब कुछ जानता है। माँ अपनी औलाद की राह में कभी रुकावट नहीं बनती, और अगर कभी रुकावट बनने लगे ना तो रास्ता अलग कर लेती। अल्लाह हमेशा उसको खुश रखे।